हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पोस्त की पंजीरी। दोस्तों, ये पंजीरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और हमारे कान्हा जी को भी ये पंजीरी बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या सामान चाहिए। इसके लिए लिया है मैंने एक बड़ा स्पून कद्दूकस किया हुआ नारियल, एक स्पून भुना हुआ कॉर्न, एक स्पून भुने हुए मगज, दोस्तों हम इन्हें खरबूजे के बीज भी कहते हैं, और ये एक स्पून चिरौंजी। ये दोस्तों मैंने थोड़ा सा मखाने लिए हैं, दो चार उन्होंने रोस्ट करके थोड़ा क्रश कर लिया है। और इसके लिए हम लेंगे 400 ग्राम चीनी, 250 ग्राम मैंने यहाँ पर पोस्त ली है। देखिए, इसको मैंने अच्छे से रोस्ट करके और ग्राइंड कर लिया है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। और ये लिया है मैंने 250 ग्राम मावा, जिसे मैंने पहले से ही भून कर रख लिया है। दोस्तों, जितने भी मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये मैं पहले से ही भून के रख लिए हैं ताकि वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो सके। तो चलिए अब अपनी पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पंजीरी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ग्लास पानी लेंगे और इसमें ये शुगर अच्छे से डालकर अच्छे से चलाएंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स हमें चाशनी तैयार करनी है। चाशनी कैसे तैयार होगी और कब तैयार होगी ये मैं बीच में आपको बताऊंगी। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो इतने हमारी चाशनी बन रही है, इतने हम 3 प्लेट में अच्छे से घी को ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी पंजीरी बर्तन में ना चिपके। ये देखिए, मैंने पहले से ग्रीस कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे बर्तन में नीचे जम रही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मावा। अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे पोस्त डालेंगे। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स भी डालते जाएंगे। दोस्तों, हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है। अब देखिए, ये रोस्टेड जो मगज थे, अब मैं इसके ऊपर अच्छे से गार्निश कर रही हूँ। से लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए जमने रख देंगे। जब ये हल्की सी जमने लगेगी, तब बीच चाकू से हम इसे बीच से काट देंगे, क्योंकि अगर ये पूरी जम गई तो फिर कटिंग होने में परेशानी हो सकती है। फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है हमारी पंजीरी को जमे हुए। तो चलिए अब हम इसमें अच्छे से कट लगा देते हैं। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।